everyone, welcome to our channel. Well, it seems that award functions are back और recently industry में रखा गया था ITA Awards, जो कि television का one of the most renowned awards है. यहाँ पर award night में TV से लेकर Bollywood के कई सारे stars ने अपनी appearances दी. तो आइए आपको ले चलते हैं इस अवार्ड फंक्शन के रेड कार्पेट पे. बॉलीवुड स्टार्स लाइक आलिया भट्ट, रणवीर सिंह एंड करण जौहर एस द रेड कार्पेट लुक इन अमेजिंग लुक्स एंड आउटफिट्स. रणवीर सिंह ने एक तरफ ब्लैक कलर की आउटफिट पहनी थी, तो वहीं आलिया शिमरी साड़ी में नजर आई. करण जौहर की बात करें तो उन्होंने ब्लैक आउटफिट पहनी थी जिस पर फ्लावरी डिटेल्स बने हुए थे. आलिया और रणवीर दोनों ने ही अपने फिल्मों में परफॉर्मेंसेस के लिए अवार्ड जीते. अब बात करें अगर हम टीवी की जमाई राजा फेम जोड़ी रवि दुबे एंड निया शर्मा की, तो उन्होंने अपने स्टाइल स्टेटमेंट से सभी का दिल जीत लिया. अनुपमा फेम रूपाली गांगुली ग्रीन और ब्लैक साड़ी में बेहद ही गॉर्जियस अंदाज में दिखी. वो अपने बेटे और हस्बैंड के साथ इस अवार्ड फंक्शन में नजर आई. जैसा कि आप देख सकते हैं, उनके बेटे के हाथ में ट्रॉफी है. अनुपमा में अपने किरदार के लिए उन्हें भी अवार्ड दिया गया. इसके अलावा भाभी जी घर पर हैं कि ऑलमोस्ट सभी स्टार कास्ट जिसमें शुभांगी आत्रे, रोहिताश गौड और बाकी के कलाकारों ने ये इवेंट एक साथ अटेंड किया. एक्ट्रेस रश्मि देसाई की बात करें तो उन्होंने इस सीक्विन गाउन में काफी शीक लुक सर्व किया. रश्मि वॉज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग. तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम मुनमुन दत्ता वाइट गाउन में दिखी. तो वहीं मुनमुन के साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी को भी देखा गया. दोनों ने एक साथ पैपराजी के लिए पोज दिया. बात करें एक्टर गुलशन ग्रोवर की, तो वो इस रेड कार्पेट पर ब्लू सूट में बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आए. राखी सावंत को रणवीर सिंह के साथ बेहद ही फनी अंदाज में देखा गया. आप भी देखिए उनका ये अंदाज. दीज एक्टर्स वर द बेस्ट ड्रेस्ड एट द अवार्ड फंक्शन. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? Let us know in the comments below and also tell us which star is your favorite. For more such updates, keep watching our channel.